Hello students, how are you all? I hope you are all good and fine at home. तो चलिए आज हम EVS में पढ़ते हैं chapter number 13, my school, यानी मेरी school. Okay, चलिए let's start. This is a picture of Saina's classroom. ये जो आपको picture दिख रही है वो Saina का classroom है. Okay, number the objects and people you can see in it to match the word given below. One example is done for you. Okay, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं और वो यहाँ पे आपको नंबर के हिसाब से उसके नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे मैच कर रहे हैं. एक एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट पर है टीचर, तो यहाँ पे उन्होंने एक करके दिया है कि ये टीचर है. तो चलिए हम आगे देखते हैं. सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट्स, तो हमको देखना है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर है. तो ये है स्टूडेंट्स, तो उसके हम लिखेंगे नंबर टू. उसके बाद थर्ड नंबर पे है नोटिस बोर्ड, तो हमको ढूंढना है नोटिस बोर्ड कहाँ पे है. तो ये है हमारा नोटिस बोर्ड, तो इस पर हम लिखेंगे नंबर थ्री. ओके, उसके बाद आएगा नंबर फोर ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड यहाँ है. उसके बाद उसके ऊपर हम लिखेंगे नंबर फोर ब्लैक बोर्ड. उसके बाद है फाइव नंबर डस्टर, तो डस्टर कहाँ पर है, ये है डस्टर. उसके बाद है चौक, सिक्स नंबर पे है चौक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर सिक्स. देन सेवन नंबर डस्टबिन, तो ये रहा डस्टबिन और उस पर हम लिखेंगे नंबर सेवन. देन एट नंबर टेबल, टेबल वेर इज़ द टेबल, तो ये रहा टेबल, तो उस पर हम लिखेंगे नंबर एट. देन आएगा नंबर नाइन चेयर, चेयर कहाँ पे है, ये है चेयर जहाँ पे टीचर बैठते हैं, ये है नंबर नाइन. देन टेन डेस्क, डेस्क कहाँ पे है बच्चों का, तो ये है टेन नंबर डेस्क. देन इलेवन पे है बैग, तो बैग कहाँ है, तो ये है स्टूडेंट्स की बैग, तो इस पे हम लिखेंगे इलेवन नंबर. देन ट्वेल्व नंबर पे आएगा वाटर बॉटल, तो ये है वाटर बॉटल जिस पे हम लिखेंगे ट्वेल्व नंबर. देन थर्टीन है कपबोर्ड, कपबोर्ड कहाँ है स्कूल का, तो ये रहा कपबोर्ड, तो इस पे हम लिखेंगे थर्टीन नंबर. देन विंडो, विंडो कहाँ है, तो ये है विंडो, उसके ऊपर लिखेंगे हम 14 नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. आगे है रूम्स इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल में कितने रूम हैं. ओके, बिसाइड्स क्लास रूम्स देर आर मैनी अदर रूम्स इन अ स्कूल, लेट्स विजिट सम ऑफ देम. दैट मीन्स कि एक क्लासरूम होता है उसके अलावा भी स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो चलिए हम उन सब के बारे में सीखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले है प्रिंसिपल्स रूम. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसका एक अलग रूम होता है जिसके रूम को हम प्रिंसिपल्स रूम कहते हैं. देन यहाँ पे है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी वो होता है जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है और वहाँ पे हम जाके पढ़ाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आएगा ऑफिस, स्कूल के रिलेटेड ऑफिस वर्क करने के लिए एक कमरा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफिस. उसके बाद आएगा ये है टॉयलेट, टॉयलेट होता है जहाँ पे हम फ्रेशन अप होने जाते हैं. उसके बाद आएगा स्टाफ रूम, स्टाफ रूम यानी कि वो रूम जहाँ पे सारे टीचर्स अपने जो पीरियड नहीं होता है ना तो वो अपने कमरे में बैठते हैं, उसको हम स्टाफ रूम कहते हैं. उसके बाद आएगा मेडिकल रूम, एक मेडिकल रूम होता है वहाँ पे एक डॉक्टर होता है जैसे ही स्कूल में कोई भी बीमार हो या तो फिर कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, तो वो हाँ मेडिकल रूम में उसका उपचार करवाते हैं. देन आएगा कंप्यूटर रूम, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे सबके स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पर हम कंप्यूटर सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर रूम. देन म्यूज़िक रूम यानी म्यूज़िक रूम जहाँ पे हमको म्यूज़िक के रिलेटेड म्यूज़िक सिखाते हैं. उसके बाद आएगा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम यानी कि
ऐसा रूम जहाँ पे जब भी हमारे स्कूल का कोई फंक्शन हो या तो फिर कुछ सेलिब्रेट करना हो तो हम ऑडिटोरियम में जाके उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा हुआ माई स्कूल लेसन नंबर 13। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।